हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन, लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा HTML 5 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें अपने टेबल पे CSS अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर दूसरे तरीके से अगर हम लोग बोले कि अगर हमें अपने टेबल का फॉर्मेट CSS के थ्रू करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है CSS फाइल बना लेते हैं। उसके लिए मैं फाइल के न्यू में जाता हूं और यहां पर कुछ ऐसे फॉर्मेट है जो कि हम यहां पर सेट करते हैं, चाहे वो टेबल के लिए हो, चाहे वो रो के लिए हो, चाहे हेडिंग के लिए हो, चाहे फिर डेटा के लिए हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल और टेबल के हेडिंग और टेबल के डेटा, इन तीनों के लिए जो है हम पहले प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी डालते हैं कि बॉर्डर जो होना चाहिए वो 2 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ये हमने पहला प्रॉपर्टी डाल दिया। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा बॉर्डर कॉलेप्स। तो बॉर्डर कॉलेप्स प्रॉपर्टी होता है, उसको मैं यहां पर सेट कर देता हूं कॉलेप्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहां पर डाल दिया और यहां मैं सेमी कॉलोन दे देता हूं। ये जो कॉलेप्स प्रॉपर्टी है ये क्या है कि जो बॉर्डर्स होंगे, जो भी टेबल के बॉर्डर्स होंगे चाहे हेडिंग के या जो डेटा के होंगे, वो बॉर्डर्स के बीच में स्पेस नहीं होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ डॉट सी एस एस से, जिससे कि हमें हिंट मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ पर टेबल डॉट सी एस एस कर देता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जब हम टाइप कर रहे हैं तो हमें जो है हिंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर कॉलेप्स को जो है कॉलेप्स से यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेबल पे ही एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ विड्थ, कि टेबल का विड्थ क्या होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल का विड्थ रखता हूँ 50%, जो पूरा स्क्रीन है उसका 50% एरिया पे हमारा टेबल जो है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैं हेडर और डेटा पे कुछ प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। जो प्रॉपर्टी है वो है पैडिंग, जो पैडिंग होगा वो यहाँ पर 15 पिक्सल का होगा, ठीक है। और टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट जो अलाइन प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेफ्ट, मतलब टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट होगा, किसमें, हेडर और डेटा के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ आईडी भी ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ टेबल हैश T01, ये मैंने हेडिंग ले लिया, या मैं T1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारा टेबल जो है ये तो टैग है, पर जो हैश T1 है ये आईडी है। इसका यूज हम क्या करेंगे कि इसको हम स्पेशल अपने टेबल पे कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हैश T1 हम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं TR और उसके बाद यहाँ पर कॉलोन लिख के मैं लिखता हूँ nth child, ठीक है, क्या लिखता हूँ nth child और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ इवन और फिर मैं इसे ओपन और क्लोज कर देता हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेड, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर nth child और यहाँ पर मैं odd लिख के यहाँ पर इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेबल पे ये आईडी लगाएंगे T1 आईडी, तो क्या होगा कि जो हमारा रो है, TR का मतलब है रो है, तो TR के हर एक रो में अगर वो इवन रो होगा तो वो रेड कलर में आएगा और अगर ऑड रो होगा तो वो ब्लू कलर में आएगा। इसका मतलब पहला रो ब्लू में आएगा, दूसरा रो रेड में आएगा, फिर तीसरा रो ब्लू में आएगा, चौथा रो रेड में आएगा, इस तरीके से आपको शो होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हेडिंग का कलर जो है बिल्कुल अलग हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेबल हैश T1 और उसके बाद TH, ठीक है, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा क्या, TH। अब यहाँ पर हम TH लिखने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देते हैं कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, जो हेडिंग होगा, जो हेडिंग होगा उसका बैकग्राउंड कलर हमारा होगा ब्लैक, ठीक है, क्या होगा, ब्लैक, और उसका जो टेक्स्ट कलर होगा, ठीक है, कलर वो होगा हमारा व्हाइट, ठीक है। तो हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने ब्लैक दे दिया और जो उसका टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट दे दिया और जो आपके इवन रोज हैं वो रेड कलर में आएंगे और जो ओड रोज हैं वो आपके ब्लू कलर में आएंगे,
ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है पूरा जो है अपना CSS लिख दिया है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूं, तो ये सेव हो चुका है। अब ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में जो टेबल बनाया था वो है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मैंने टेबल बनाया है, उसका कैप्शन है कॉस्ट डिटेल, पहला रो है, दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। मैं क्या करता हूँ, एक रो और ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, और यहाँ फीस के जगह यहाँ पर ड्यूरेशन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर MCA जो है वो 3 ईयर का है और MBA जो है वो है आपका 2 ईयर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 4 रो ले लिया है। तो TR जो है वो आपका पहला रो है, दूसरा रो है नंबर ऑफ सीट, तीसरा रो है आपका फीस और चौथा रो है ड्यूरेशन। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि डिस्प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी हालांकि मैंने जो स्टाइल है या जो CSS है उसको अप्लाई नहीं किया है, तो मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 रो आ चुका है, कोर्स नेम MCA MBA, नंबर ऑफ सीट 60-45, फीस जो है 50,000-75,000, ड्यूरेशन आपका 3 ईयर 2 ईयर। अभी कोई भी बॉर्डर या जो भी हमने फॉर्मेट किया था वो नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने हेड में अभी लिंक टेग हमने यूज नहीं किया है। अब हमें जो मैंने अलग से CSS फाइल बनाया है जो है वेब पेज पे मुझे अगर अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक। उसके बाद हम लिखते हैं रिलेशन REL और उसके बाद इसको मैं सेट करता हूं स्टाइल सीट। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल सीट। उसके बाद आपको अपने CSS फाइल का लिंक देना पड़ेगा, तो href इक्वल टू टेबल डॉट CSS। चूंकि ये इसी फोल्डर में है इसलिए मैं डायरेक्टली टेबल डॉट CSS लिख रहा हूं, पर अगर ये किसी दूसरे फोल्डर में है तो फिर आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जो भी टेबल डॉट CSS में हमने फॉर्मेट डाले थे वो सारे यहाँ पर इस HTML फाइल में अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटर्नल CSS जो है यूज किया गया है। जब आप अलग से CSS फाइल बनाते हैं और उसको किसी भी HTML फाइल में यूज करते हैं लिंक टैग के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया और अब हम इसे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। हालांकि कुछ फॉर्मेट जो है यहाँ पर अप्लाई हुए हैं और कुछ फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि अप्लाई नहीं हो पाए हैं। तो होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा CSS फाइल था, यहाँ पर अगर हम आए तो CSS फाइल में हमने क्या किया था कि टेबल और टेबल का हेडिंग और टेबल का डेटा, तीनों का बॉर्डर जो है हमने ब्लैक कलर का डाला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल जो हमारा बॉर्डर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने बॉर्डर को कॉलेप्स कर दिया था। कॉलेप्स का मतलब ये है कि यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो बॉर्डर है बॉर्डर के बीच में कहीं स्पेस नहीं आ रहा है, सारे बॉर्डर आपस में चिपके हुए हैं। तो ये जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बॉर्डर कॉलेप्स जो है को सेट किया था कॉलेप्स से। टेबल का विड्थ हमने 50% दिया था, इसलिए आप देख रहे होंगे कि पूरा स्क्रीन का जो पूरा स्क्रीन का विड्थ है उसके 50% में टेबल आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारा काम कर रहा है। हेडिंग और जो है डेटा में हमने पैडिंग लगाया था 15px का और अलाइनमेंट हमने लेफ्ट रखा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी का अलाइनमेंट लेफ्ट आ रहा है और जो डेटा आपका डिस्प्ले हो रहा है वो बॉर्डर लाइन से 15px के डिस्टेंस में वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी हमारा काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो T1 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 हमने लिखा है जिसमें nth child मतलब even, जो even rows होंगे वो रेड कलर में आएंगे, जो odd rows होंगे वो ब्लू कलर में आएंगे और जो बैकग्राउंड कलर होगा हेडिंग का वो ब्लैक कलर में आएगा और हेडिंग का जो आपका टेक्स्ट कलर होगा वो व्हाइट में आएगा। ये आपका अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने आईडी दिया है। कौन सा आईडी दिया है, T1। तो हमें अपने जो है कोड पे इस आईडी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टेबल के बाद आईडी इक्वल टू, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा T1। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं T1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आईडी का नाम है वो क्या है, T1 है। तो चलिए अब हम इसे जो है सेव करते हैं और अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा वो जो फॉर्मेट था वो अप्लाई हो चुका है। कौन कौन सा फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट हमने CSS का डाला था, पहला क्या था कि nth child T1 मतलब TR का मतलब ये रो पे अप्लाई हो रहा था nth child, और कौन सा जो even rows होंगे वो रेड कलर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं even rows हमारा रेड में आ रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं
दूसरा रो रेड में आ रहा है और चौथा रो भी हमारा रेड में आ रहा है। उसके बाद हमने डाला था कि जो ऑड रोज हैं, जो ऑड रोज हैं वो ब्लू कलर में आएंगे। तो यहां पर हम लोग फिर से जाते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं पहला रो ब्लू में आ रहा है, तीसरा रो ब्लू में आ रहा है। उसके बाद हमने बोला था कि जो हेडिंग होगा, जो हेडिंग होगा उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा और फोरग्राउंड कलर जो है, टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट होगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग्स है हमारे, पूरा का पूरा ब्लैक आ रहा है, जबकि उसका जो टेक्स्ट का कलर आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो है टेबल के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने सीएसएस फाइल बनाया और उस सीएसएस फाइल को हमने अपने टेबल पे अप्लाई किया। तो इस तरह से जो है सीएसएस आप अपने टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है सीएसएस का कि सपोज दैट आपको अपने वेब पेज में जगह जगह टेबल दिखाने हैं, तो एक सीएसएस आप बना के वही सीएसएस आप सारे टेबल में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक कंसिस्टेंसी बना होगा कि जितने भी आपके वेब पेजेज हैं और उस वेब पेजेज में जितने भी टेबल हैं वो सभी के सभी आपको एक ही फॉर्मेट में दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।